मायावी नीलवन तरुण त्रिशला को जाते उदास नजरों से देख रहा था। तब ध्रुव बोला, मैंने कहा था ना उसे थोड़ा वक्त दो, अब चलो अंदर। तरुण चुपचाप अंदर चला गया। ध्रुव जब कमरे में लौट कर आया तो उसने देखा छलावा अकेले कमरे में बैठा हुआ था। ध्रुव ने कहा, तू अकेला है, विक्की कहाँ है, दिख नहीं रहा। छलावा ने कहा, विक्की के जीवन में दो ही तो जरूरी काम है, एक करके उठा है, दूसरा करने गया है। ध्रुव हंसता हुआ बोला, अच्छा खाना खाने गया है। इतने में विक्की बोला, जो दरवाजे पर ही खड़ा था, तुम लोग मुझे जितना हल्के में लेते हो ना उतना मैं हूं नहीं, तुम लोगों की नजर में मेरे पास सिर्फ दो ही काम है, खाना और सोना, लेकिन मैं खाना खाने नहीं गया था, बाहर जो हंगामा हो रहा था मैं वो देखने गया था। इतने में कंचन हाथ में खीर से भरा हुआ कटोरा लेकर भीतर आई और विक्की को देती हुई बोली, आप जल्दी जल्दी खाने के बाद खीर खाना तो भूल ही गए, इसीलिए मैं इसे आपके लिए कमरे में ले आई। कंचन की बात सुनकर ध्रुव और छलावा ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर दोनों विक्की को देखने लगे। विक्की तुरंत कंचन के हाथ से वो खीर का कटोरा लेता हुआ बोला, मैं कहाँ खा रहा था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बाहर था, जो हंगामा हो रहा था वो देख रहा था, मैं नहीं था। कंचन हंसती हुई बोली, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, बाहर इतना शोर हुआ सब चले गए देखने के लिए, लेकिन आप खाने की टेबल से उठे नहीं और आप कह रहे हैं आप बाहर थे। विक्की बोला, कंचन जी आपने मुझे खीर ला कर दिया, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और धन्यवाद आपका, अब आप जा सकती है। कंचन वहां से चली गई। उसे विक्की का बर्ताव भी समझ में नहीं आया। विक्की ध्रुव और छलावा की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ये खीर मैंने ही मंगवाई थी तुम लोगों के लिए, मुझे लगा तुम लोग काफी देर से बाहर गए हुए हो, पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं, तो सोचा तुम लोगों के लिए कुछ मीठा मंगवा लूं, तुम लोग खाओगे, मुझे नहीं लगता तुम लोगे, एक काम करता हूँ मैं ही खा लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता ना कि कंचन इतने प्यार से देकर गई है और हम ना खाएं। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल तू आराम से बैठ कर खा, और चाहिए हो प्यार के नाम वाली खीर और मंगवा लेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। उस पूरे दिन में खास कहने जैसा कुछ नहीं था सिवाय रात का इंतजार करने के। दिन में ध्रुव कहीं बाहर निकला था ये कहकर कि वो शाम तक लौट आएगा, लेकिन शाम हो गई थी अब तक ध्रुव नहीं आया था, सब उसके लिए परेशान हो रहे थे। रूप ने कहा, मैं मालूम करवाती हूँ कि ध्रुव कहाँ है। अनन्या बोली, नहीं रूप उसकी जरूरत नहीं है, वो अगर कहीं गया है तो किसी काम से ही गया होगा और खुद टाइम से आ जाएगा। इतने में उन्हें ध्रुव आता दिखा। अनन्या बोली, मैंने कहा था ना वो खुद आ जाएगा। ध्रुव ने कहा, तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो, तरुण कहाँ है, हमें चलना है। अनन्या बोली, वो और छलावा कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा, तुम्हारा ही कहीं पता नहीं था, अभी अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो तुम्हें ढूंढने निकल जाते, तुम थे कहाँ। ध्रुव बोला, शोर शराबे से दूर समंदर किनारे जाप करने गया था। अनन्या बोली, अच्छा ठीक है तो अब चलो जल्दी। ध्रुव जल्दी अपने दोस्तों और तरुण के साथ नीलवन के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर अनन्या और तारा उस जगह से बहुत इम्प्रेस थी। अनन्या ने कहा, वाव यार ये जगह कितनी रोमांटिक है। तारा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मतलब रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में तो ऐसा लग रहा है जैसे जगह की खूबसूरती और बढ़ गई है। विक्की ने तारा की तरफ देखते हुए शर्माने का नाटक करते हुए कहा, वैसे तारा अगर तुम कहो तो क्यों ना हम अपने लिए यहीं घर बना ले, हम यहीं बस जाते हैं, क्यों तरुण तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं यहाँ सेटल होना चाहूँ तो। तरुण हंसता हुआ बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हारे लिए यहाँ घर बनवा दूंगा, लेकिन रात में यहाँ पर जानवरों का जो हमला होता है उससे कैसे बचना है ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। विक्की तपाक से बोला, नहीं नहीं वैसे भी मैं मेरी माँ के साथ ही रहूंगा, मेरी माँ को भी तो बुढ़ापे में बहू का सुख मिलना चाहिए। विक्की की बात पर सब जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े सिवाय ध्रुव के, वो बस चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा है। तारा ने पूछा, क्या बात है ध्रुव कुछ सोच रहे हो। ध्रुव सपाट लहजे में बोला, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं चाहता था सिर्फ तरुण और छलावा ही मेरे साथ है, मैं तुम लोगों को मना नहीं कर पाया तुम लोगों की जिद की वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस जगह की खूबसूरती भी जैसा कि तरुण ने हमें बताया था सब कुछ माया है, वैसे ही इसकी खूबसूरती भी एक माया ही लग रही है। तरुण ने कहा, ऐसा नहीं है ध्रुव, यहाँ हम बचपन से आ रहे हैं, ये जंगल मायावी जरूर है लेकिन इसकी खूबसूरती माया भी नहीं है,
ध्रुव ने कहा, हो सकता है तुम जबकि बात कर रहे हो उस वक्त वैसा ही रहा हो जैसा तुम सोचते हो, लेकिन इस वक्त आज के समय में तुम्हारे साम्राज्य में बहुत कुछ बदल गया है, और ऐसे में उस चाबी का इस जंगल से कनेक्शन होना कोई सामान्य बात नहीं है, और ये भी संभव नहीं है कि ये जंगल पहले की तरह ही बिल्कुल सामान्य हो। तभी वहाँ हलचल सी होने लगी। तरुण ने सबको रुकने के लिए कहा और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर अपने दोस्तों को बोला, तुम लोगों को पेड़ पर चढ़ना आता है? अनन्या ने पूछा, पेड़ पर चढ़ना, लेकिन क्यों, पेड़ पर क्यों चढ़ना है? तरुण ने कहा, सवाल मत कर, जितना बोला है उतना करो, आसपास जिसको जो पेड़ समझ में आता है उस पर जल्दी से चढ़ जाओ। तारा बोली, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। तरुण ने कहा, इस जंगल में सबसे बड़ा खतरा जिस जानवर का है उनका झुंड चला आ रहा है, नील गाय का झुंड। इस पर विकी हंसता हुआ बोला, नील गाय, तुम्हें नील गाय खतरनाक लगते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? तरुण ने कहा, तुम्हें खड़े रहकर नील गाय से मुलाकात करनी है तो तुम खड़े रहो, हम जा रहे हैं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। इतना कहते हुए तरुण एक पेड़ पर चढ़ गया। उसकी देखा देखी सब आसपास जिसे जो पेड़ समझ में आया वो उस पर चढ़ गया। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे लोग जिस पेड़ पर चढ़े हुए हैं वो पेड़ भी हिल रहा है। छलावा हैरानी से बोला, इतने भारी पेड़ कैसे हिल रहे हैं? तरुण ने कहा, वो नजदीक आ गए हैं इसलिए। विकी छुंछलाता हुआ बोला, क्या यार, तुम भी इतने बड़े जादूगर हो और जानवरों से डरते हो, तुम तो अपने जादू से मिनट में उन्हें हरा सकते हो, और तुम उनके बच्चों की तरह डर कर पेड़ पर चढ़ गए हो। तरुण ने कहा, वो इसलिए क्योंकि इस जंगल के जानवर हर जादू से अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानते हैं। अभी कुछ देर अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तभी उन लोगों ने देखा नीचे से जानवरों का एक बड़ा झुंड चला जा रहा था। तारा हैरानी से बोली, ये नील गाय है? तरुण ने कहा, हाँ, वो दिखने में हाथी से भी बड़े थे, उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, वो जोर से गुर्रा रहे थे। गौर से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर गुर्रा रहा हो। तारा जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तरुण ने धीरे से कहा, कुछ मत बोलना। तारा ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जैसे ही उन जानवरों का झुंड वहां से गुजरा, कुछ देर के बाद तरुण नीचे उतर आया और सब उसके साथ ही नीचे उतर आए। तारा बोली, ये कैसी नील गाय थी, ऐसी भला नील गाय होती है? तरुण ने कहा, यहाँ तो ऐसी ही होती है। अनन्या बोली, हाँ, इसीलिए इनसे डरना जरूरी है, अब समझा तू? समझा विकी? विकी जो अब तक सहमा हुआ था उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ वो झुंड गया था। अनन्या ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वो लगभग चीखता हुआ पीछे पलटा। अपने सामने अनन्या को देखकर राहत की सांस लेकर बोला, डराया मत कर। अनन्या बोली, वाह रे मिट्टी के शेर। विकी बोला, ये सब छोड़, वैसे तरुण ये बताओ, इस जंगल में सारे जानवर ऐसे ही है क्या, मतलब नाम कुछ और दिखने में कुछ और? तरुण बोला, तुम्हारे यहाँ के हिसाब से अलग होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, तो हमें तो यही नॉर्मल लगता है। वैसे हाँ, यहाँ पर सारे जानवर इसी तरीके के हैं, और क्योंकि ये रात का वक्त है तो रात के वक्त ये जंगल इन जानवरों के अधीन होता है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और सच कहूँ तो ध्रुव कुछ गलत भी नहीं कह रहा था, तुम सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले खतरा जानवरों से ही है। हम जितनी ज्यादा की संख्या में रहेंगे हमें उतना डर बना रहेगा, कम लोग रहेंगे तो सतर्कता ज्यादा रहती है। छलावा ने कहा, कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो ठीक है, वैसे भी हमने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना एक साथ किया है, ये तो फिर भी जानवर और जंगल है। कुछ आगे जाने पर छोटे छोटे तीन पत्थरों के टीले बने हुए थे जो सफेद रंग के थे। तरुण वहां से बाएं मुड़ गया। ध्रुव ने तरुण को रोकते हुए कहा, एक मिनट तरुण, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम दिन में जब आए थे तब हम यहाँ से दाएं गए थे, तो अभी तुम बाएं क्यों जा रहे हो? मुझे लगता है तुम रास्ता भटक रहे हो। तरुण ने कहा, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ ध्रुव, मैंने कहा ना इस जंगल के बारे में, दरअसल यहाँ पर माया यही तो है, इस जंगल में जो भी चीज मौजूद है वो अपना स्थान बदलती रहती है, या यूं कहो कि तुम्हें नजरों का धोखा होता रहता है, जो चीज दिन की रोशनी में दाएं तरफ थी जो कि वास्तविक में दाएं तरफ ही मौजूद है, लेकिन रात के वक्त जब जंगल की माया जागृत हो जाती है तब ये हमारे साथ खेलने लगते हैं, इसीलिए अभी हमें बाएं तरफ जाना है। ध्रुव हैरानी से बोला, ये सच में मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, मतलब एक बार के लिए जानवर भी समझ में आता है कि मायावी हो सकते हैं, जादुई हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जंगल भी इस तरह से अपनी स्थिति और दिशा बदलता है, ये कमाल था। वैसे संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं इस बात पर भी यकीन करता हूँ, आओ चले।
तभी छलावा एकदम से चहकता हुआ बोला, अब मुझे समझ में आ गया है उस चाबी का रहस्य। छलावा की बात पर सब उसकी तरफ देखने लगे। तरुण ने कहा, समझ में आ गया है? क्या समझ में आ गया है, हमें भी बताओ, क्योंकि हमें तो वहाँ उस चाबी को लगाने वाला कोई ताला ही नजर नहीं आया, ना कोई ऐसा दरवाजा दिखा। छलावा ने कहा, अभी अभी तुमने कहा ना कि ये जंगल मायावी है, अपनी स्थिति बदलता रहता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दिन में आए थे तो दिन में जो चीज हमें नहीं दिखी थी वो चीज हमें अभी रात के वक्त में दिखे। मैं सही कह रहा हूँ ना? ध्रुव छलावा की बात पर उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि रूप के पापा के हिसाब से ब्रह्म कमल इस पूरे साम्राज्य में बस एक वही है, तो जाहिर बात है उस चाबी पर ब्रह्म कमल के होने का मतलब ही यही है कि उस चाबी का संबंध यहीं कहीं से है। इस बात ने उन सबके भीतर एक नया जोश भर दिया था। सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वो गुफा नजर आई जिससे होते हुए दिन में ये लोग दूसरी तरफ गए थे। दिन की तरह ही तरुण ने उस गुफा के दरवाजे को खोला और सब उसमें भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही ये लोग उस गुफा में गए, वहाँ पर लाखों जुगनू जलने और बजने लगे, जिससे न सिर्फ वहाँ पर रोशनी जैसी हो रही थी बल्कि एक अलग सा मंजर नजर आ रहा था जो किसी सपने की तरह सुंदर था। तभी ध्रुव की नजर उन जुगनुओं में से एक जुगनू पर पड़ी। ध्रुव ने गौर किया कि बाकी जुगनू की तरह वो सफेद रंग में जल बुझ नहीं रहा था बल्कि उसका रंग काला था। जब वो जल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले कांच के भीतर रोशनी हो रही है जिससे वो बाहर चमक रहा है। इससे पहले कि ध्रुव जुगनू के बारे में ध्यान दे पाता, वो जुगनू बड़ी फुर्ती से ध्रुव की तरफ बढ़ा और उसके बगल से होकर गुजर गया। ध्रुव को लगा जैसे एक सेकंड के लिए वो पॉज हो गया है और कोई उसके कान में कुछ कहकर गया है। ध्रुव ने चौंकते हुए पीछे की तरफ देखा जिस तरफ वो जुगनू गया था, लेकिन उसके बाद उसे वो जुगनू कहीं दिखा ही नहीं।